बीटाउन की गलियारों में हमेशा ही सुर्खियों में बनी रहती है बच्चन फैमिली। बच्चन फैमिली का एक अलग ही नाम और रुतबा है। बच्चन फैमिली जहां भी जाती है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है। बच्चन फैमिली ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना बेहद खास योगदान दे रखा है, तो वहीं बच्चन फैमिली अपने लग्जीरियस लाइफ स्टाइल के लेकर काफी सुर्खियों में बनी रहती है, तो वहीं दूसरी ही तरफ बच्चन फैमिली काफी सुर्खियां बटोरती हुई नजर आती है अपने रिश्तों को सजोए रखने के लिए। जी हाँ, बच्चन परिवार के सभी सदस्य अक्सर एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग को लेकर, एक दूसरे के साथ रिश्ते को लेकर बातचीत करते हुए नजर आते हैं नेशनल टेलीविजन पर, और अपने इंटरव्यूज के जरिए कई राज भी खोलते हुए देखे जाते हैं। हमारे इस प्रोग्राम के जरिए हम बात करेंगे आप सभी की प्यारी सी जोड़ी जिनका प्यार आज भी बरकरार है। जी हाँ, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन जिनका प्यार आज भी बरकरार है। दोनों की शादी को काफी लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन आज भी दोनों एक दूसरे पर भरपूर प्यार बरसाते हुए देखे जाते हैं। लेकिन हाल ही में दोनों के रिश्ते को लेकर एक खबर आई है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम के जरिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशी राठौर। अमिताभ बच्चन जो हमेशा ही अपने परिवार पर प्यार लुटाते हुए नजर आते हैं, अपनी पत्नी जया बच्चन के साथ वह कितनी खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं इस पर चर्चा करते हुए देखे गए हैं अमिताभ कई बार। लेकिन हाल ही में अमिताभ ने नेशनल टेलीविजन पर कुछ ऐसी बात कह डाली है जिसे सुनने के बाद आप हैरान होंगे, तो वहीं ये किस्सा बेहद दिलचस्प भी है। आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट के जरिए कि आखिरकार अमिताभ ने क्या कहा है। बॉलीवुड की बेमिसाल जोड़ियों में नाम शुमार है अमिताभ बच्चन और जया बच्चन का। अमिताभ और जया हमेशा ही अपने खूबसूरत रिश्ते, अपने रिश्ते की प्यारी सी बॉन्डिंग को लेकर फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए नजर आए हैं। आज भी अमिताभ और जया किसी इवेंट में शिरकत करते हैं, किसी पार्टी में पहुंचते हैं, उस दौरान भी हमेशा ही हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए नजर आते हैं। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है बच्चन फैमिली। बच्चन फैमिली हमेशा ही अपने रिश्तों को सजोए रखने के लिए मशहूर रही है। अमिताभ और जया अपने लाडले बच्चों के साथ बेहद खूबसूरत और आलीशान जिंदगी बिता रही हैं। बात की जाए अमिताभ और जया के इस खूबसूरत रिश्ते के बारे में, तो हाल ही में दोनों के रिश्ते को लेकर एक खबर आई है। जी हाँ, अपने प्यार भरे रिश्ते को लेकर अमिताभ ने कह दिया है कि कहीं उनकी शादी में अड़चने ना जाए। इस पर चर्चा करने जा रहे हैं हम हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। जानकारी के लिए आपको सबसे पहले बता दें कि 3 जून साल 1973 में अमिताभ और जया शादी के बंधन में बंधे थे। दोनों की शादीशुदा जिंदगी को 48 साल हो चुके हैं। दोनों हमेशा ही एक दूसरे पर प्यार बरसाते हुए नजर आते हैं। अपनी शादी की सालगिरह पर अमिताभ सोशल मीडिया के जरिए जया बच्चन के प्रति अपने प्यार को जाहिर करते हुए देखे जाते हैं और जया बच्चन को खास अंदाज में विश करते हुए भी नजर आते हैं। अमिताभ और जया एक दूसरे पर हमेशा ही प्यार बरसाते हुए देखे जाते हैं। एक दूसरे के साथ मिलकर अमिताभ और जया ने कई फिल्मों में काम किया है। एक दूसरे से वह कितना प्यार करते हैं ये तमाम तस्वीरें बयां करती हैं। जब भी अमिताभ और जया को एक दूसरे के साथ देखा गया है तो वाकई में दोनों की खूबसूरत बॉन्डिंग ने हर किसी के दिल को जीता है। लेकिन हाल ही में अमिताभ बच्चन ने अपने रिश्ते को लेकर ये बातें क्यों कही हैं? दरअसल अमिताभ बच्चन ने नेशनल टेलीविजन पर ये बात कही है। अमिताभ बच्चन इन दिनों फेमस शो कौन बनेगा करोड़पति को होस्ट कर रहे हैं। बीते कई सालों से इस शो के होस्ट बने हुए हैं अमिताभ बच्चन, और शो के बीच में अमिताभ अपने पूरे परिवार को लेकर बातचीत करते हुए भी दिखाई देते हैं। वहीं हाल ही में अमिताभ ने शो में ऑडियंस को लेकर अपने दिल की बात कही। उन्होंने स्वीकारा कि
जब ऑडियंस होती है तो उनके भीतर एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। लेकिन इसी बीच अमिताभ ने ये भी कह दिया कि उनकी शादी खतरे में पड़ जाएगी। आखिरकार क्यों कहा अमिताभ ने ऐसा, चलिए जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट के जरिए। दरअसल खेल के दौरान जब एक कंटेस्टेंट कल्पना दत्त ने 12,50,000 रुपए के सवाल का सही जवाब दे दिया, उस दौरान ब्रेक के दौरान एक फीमेल फैन ने बिग बी को फ्लाइंग किस दिया। जी हाँ, ढेर सारे फ्लाइंग किस दे दिए बिग बी को। और अमिताभ बच्चन उस दौरान शर्मा कर मजाक में कह देते हैं, मैडम देखिए मैं आपको बता दूँ सही सही बात, हमारे वैवाहिक जीवन में बहुत बड़ी अड़चन आ जाएगी, इतने सारे किस भेज दिए आपने कि क्या बताएं। जी हाँ, अमिताभ बच्चन कहते हैं शर्मा कर कि इस तरह तो उनकी शादी खतरे में पड़ जाएगी। और इस तरह से अमिताभ ने बताया कि उनकी शादीशुदा जिंदगी में दरार आ सकती है। वेल, देखा जाए तो अमिताभ और जया का रिश्ता बहुत ही प्यारा है, दोनों की ये शादी आज भी बरकरार है और दोनों हमेशा ही एक दूसरे पर भरपूर प्यार लुटाते हुए नजर आते हैं। ये तमाम तस्वीरें बयां करती हैं कि अमिताभ और जया एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, एक दूसरे पर कितना भरोसा करते हैं। हमेशा ही अपने इंटरव्यूज़ में दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपने प्यार को जाहिर किया है। अमिताभ ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह हमेशा ही एक ऐसी लड़की चाहते थे जो अंदर से ट्रेडिशनल हो और बाहर से मॉडर्न हो, और जया बिल्कुल वैसी ही थी। इसी वजह से अमिताभ बच्चन जया को मन ही मन पसंद करने लगे थे और एक वक्त ऐसा आया जब वह जया के साथ शादी के बंधन में बंध गए। सो फ्रेंड्स, हमने आपको बताया हमारी इस रिपोर्ट के जरिए कि बिग बी जया बच्चन के साथ रिश्ते को लेकर क्या बोले हैं। बिग बी ने यहाँ पर बताया है कि हमारे रिश्ते में दरार आ सकती है, अड़चने आ सकती हैं अगर उनकी फैन ऐसी हरकतें करती हैं। और इस तरह से बिग बी अपने रिश्ते का बचाव करते हुए देखे गए हैं। वर्क फ्रंट के बारे में बातचीत की जाए तो अमिताभ बच्चन के हाथों में कई बड़े और शानदार प्रोजेक्ट हैं। अमिताभ बच्चन की फिल्म चेहरे हाल ही में रिलीज हुई है, लेकिन इस फिल्म को ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया है। वहीं दूसरी ही तरफ अमिताभ आप सभी को नजर आएंगे फिल्म ब्रह्मास्त्र में, और इसके अलावा अमिताभ के हाथों में कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज और हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।